लोग कैसे, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते। आज मैं जा रही हूँ लेडी फिंगर की भुजिया बनाने, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। इसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं 500 ग्राम के लगभग। मैंने भिंडी ली है जिसको अच्छे से धुल लिए हैं। मैंने धुल करके इसको अच्छे से पोंछ के पानी बिल्कुल न रहने दें। दो चम्मच दो मैंने प्याज को कट कर लिए हैं। 3 से 4 मैंने मिर्चें लिए हैं जो आप देख सकते हैं। नमक और हल्दी जब मैं डालूँगी तब उसकी मात्रा आप लोग को बताऊँगी। तो चलिए इसे मैं अब कट करती हूँ। इस तरह से आप इसे कट करें, इसके इधर का निकाल लें, इस तरह से हटाते जाए दोनों तरफ का, और इस तरह से आप कट करते रहें। आप देख सकते हैं मैंने भिंडी को अच्छे से कट कर लिया है, मिर्ची को भी कट कर लिए हैं अच्छे से। दोनों इंग्रेडिएंट को मैंने कट कर लिए हैं। इधर मैंने 2 चम्मच तेल डाल करके इसे मैं गर्म कर ली हूँ। अब इसे मैं हरी मिर्च और प्याज दोनों को डाल दूंगी और इसे हल्का सा भूनने दूंगी। देखिए तेल गर्म हो चुका है, इसमें हल्का सा ये पीछ होने लग गया, तो मैं इसमें भिंडी डालूंगी। इस तरह से आप ही बराबर चलाते हुए हल्का सा फ्लेम को तेज कर दें। इस समय आप देख सकते हैं कि ये प्याज हल्के से भून चुके हैं, और मैं इसमें भिंडी जो मैंने कट किए थे उन सारे को डाल दूँगी। इसलिए साफ मिली तो जल भून आएगा अच्छे से। इस तरह से आप बराबर से इसे चलाते हुए भूनिए। इसको मैं आपको फ्लेम ही रखती हूँ, इसे करारी हो जाए। आप देख सकते हैं भिंडी का कलर चेंज हो रहा है। अब आप इसमें 1 चम्मच के लगभग नमक ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप डाल दें। उसके बाद में आप हल्दी 1/2 चम्मच के लगभग मैंने लिए हैं, ये डाल करके भून फ्लेम कर। आप देख सकते हैं हल्के हल्के से भून चुके हैं। अब आप मीडियम फ्लेम कर लिए और इसे ढक करके 5 से 10 मिनट के लिए आप बीच बीच में देखते रहें। इसको ढक करके इसे धीमी फ्लेम पे अच्छे से पका। आप देख सकते हैं भिंडी की भुजिया तैयार है आप लोगों के लिए सर्व करने के लिए। आप इसे पूरी पराठे चावल के साथ इंजॉय करें। और कैसा लगा मेरा वीडियो, मुझे मोटिवेट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।